ऋतिक का प्रसाद आ गया ही है, बहुत इरेग्युलर है ये। और चल रहे हैं। कौन बोला? Somebody said something? Sir, my practicals and exams are going on, so I can't able to attend lectures. That's why. Okay, okay. ठीक है, ठीक है. But now attend regularly. Sir, my papers are gonna end this weekend. This weekend, ठीक है. Which college? Bhavans. Bhavans, Andheri is property. अंधेरी वन। अच्छा ओके ठीक है। तो कॉपी तो मारते होंगे ना, कॉपी मार के टेस्ट लिख रहे हैं ना कि यू आर स्टडिंग हार्ड फॉर दिस। यस आई एम स्टडिंग, आई एम नॉट कॉपिंग। क्या कॉपिंग, सब लोग तो कॉपी करते हैं। नाइस सर। चलो ओके, we were doing problem number 78. ये कौन है? Ritika Prasad. I think your video is not on. I will not allow you to continue. Okay. 78 हम लोग कर रहे थे। एक बार फिर से आसिफ, are you there, आसिफ बेटा? Yes sir. जरा पढ़ो एक बार फिर से 78. A glass tube has inner diameter 1 millimeter and outer diameter 1.1 millimeter. When it is kept vertical and partially dipped in water, calculate the downward pull due to the surface tension. That is right. देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये क्यूब है ऑफ इनर डायमीटर, या इनर डायमीटर है ना ये कितना 1 मिलीमीटर, और आउटर डायमीटर कितना 1.1 मिलीमीटर। हमको बेसिकली इससे लेंथ इन कांटेक्ट मिलेगा, ये इसकी थिकनेस हो गई। तो लेंथ इन कांटेक्ट क्या होगा, 2 पाई आर वन प्लस 2 पाई आर टू, या पाई डी वन प्लस पाई डी टू। पाई डी वन ये इनर सर्कमफेरेंस, पाई डी टू आउटर सर्कमफेरेंस। तो वी हैव टू एडजस्ट एट द पेरीमीटर। सो लेंथ इन कॉन्टेक्ट will be equal to pi d1 plus pi d2. और ये 2 pi r के बदले मैंने pi d लिखा, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है और लास्ट टाइम मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, बोलो बच्चों, ओम मिस्त्री, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? कुछ भी सोचे समझे बिना बोल रहे। चल ठीक है, 1 मिलीमीटर विल बी 10 रेज टू माइनस 1, यहाँ लिखा भी है, पहले से लिखा हुआ है लास्ट लेक्चर का। ओके यहाँ पे आप बोलेंगे सर सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन इज गिवन इन सेंटीमीटर, सो दैट्स वेयर। सो विल राइट पाई इनटू 1 इनटू 10 रेज टू माइनस 1 प्लस पाई इनटू 1.1 इनटू 10 रेज टू माइनस 1, सो मेनी सेंटीमीटर, सो दैट विल बिकम पाई इनटू 10 रेज टू माइनस 1 1 प्लस 1.1, और दैट इज 2.1 इनटू पाई इनटू 10 रेज टू माइनस 1 यानी 1 अपॉन 10। All right, I'll write pi as 22/7. Anybody can tell me why I wrote this as 22/7? Hai koi jo batayega mujhe? Pi ko maine pehli baar 3.14 ke badle 22/7 likha. Koi reason, koi logic? Hai koi is kaaran? 2.1. 7 ya 21, so 0.3 into 22/10. That is 0.3 into 2.2. 22 या 66 यानी 0.66 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर लेंथ इन कांटेक्ट का। कितना डेंजर डेंजर से हम लोग एकदम सिंपल आंसर ले आए, एकदम आसानी से।
Okay, what is the formula for surface tension? Who will tell me? What upon what? Alok Gupta, surface tension ka formula bol. So, yaad nahi aa raha. Yaad nahi aa raha. Okay. Ahmad Sheikh. Ahmad Sheikh. माज आवाज नहीं आ रही तुम्हारी और तुम्हारा ये वीडियो में सब ये मरून कलर दिखाई दे रहा है फॉर्मूला नहीं आता आता है कि नहीं आता है हाँ या ना बोल ओके प्रिशा शेट्टी सरफेस टेंशन इज व्हाट अपॉन व्हाट एफ अपॉन एल दैट्स राइट फॉर एफ इक्वल टू टी एल इसका आंसर निकालोगे तो 49.49 जैसा कुछ बोल रहा है लेकिन कैसे 49.49 हाँ कोई कुछ बोल रहा था सर सर somebody was telling me was somebody telling me something ओके अंडरस्टैंड एक बार फिर से प्रॉब्लम एक ग्लास ट्यूब थी उसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया हुआ सरफेस टेंशन दिया हुआ है क्योंकि इट इज टच्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हुज सरफेस टेंशन इज गिवन वी हैव टू नो हाउ मच फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड ड्यू सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला एफ बाय एल एफ विल बी टी इनटू एल मुझे लेंथ इन कॉन्टेक्ट निकालनी पड़ेगी तो लेंथ इन कॉन्टेक्ट ये इनर सर्कमफेरेंस प्लस आउटर सर्कमफेरेंस तो पाई डी वन प्लस पाई डी टू पाई डी वन कितना होगा 1 × 10⁻¹ पाई 1.1 × 10⁻¹ पाई × 10⁻¹ कॉमन तो 1 + 1.1 2.1 पाई 10⁻¹ एंड 1/10 पाई के बदले 22/7 7 3 जा 21 बट 7 into 0.3 मींस 2.1 तो 0.3 into 22/10 दैट इज 0.3 into 2.2 दैट इज 0.66 सो f will be t into l t का आंसर 75 l का आंसर ये रहा Multiply, get the answer. All right, so there you are. So, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे. Okay, इसके बाद हम लोग करेंगे problem number 80. इटी हिट करो आशीष इट इज सर प्रॉब्लम 80 अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 6 मिलीमीटर ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स व्हिच ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हाउ मेनी ड्रॉपलेट्स विल बी एक्चुअली मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है This is the problem of mathematics. I am going to explain the problem. I am going to ask the problem. मैं problem बताने के बाद पूछने वाला हूँ कि problem क्या है? एक थी water drop. उसकी radius थी radius given. उसको एक दिन तोड़ गया, धनिस करके तोड़ दिया. बहुत सारे छोटे-छोटे नन्हे मुन्ने drop बन गए, बहुत सारे. हर एक की radius 1 millimeter. तो लोग बोलते कितने drop बने होंगे?
What? How many number of drops बने होंगे तोड़ने के कारण? Is the problem clear to you, Bhargesh? मुझे problem बता. Bhargesh. Problem बता. एक वाटर ड्रॉपलेट था, उसके अंदर बहुत सारे छोटे, उसका रेडियस गिवन था, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आए, तो हमको फाइंड करना है कि कितने ड्रॉपलेट्स बने. लवली आंसर, बहुत अच्छा आंसर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ड्रॉप की जो वॉल्यूम होगी, जो भी वॉल्यूम होगी, जैसे 10 लीटर की जब उसको 10 अलग अलग में डिवाइड कर दिया तो हर एक की एक एक लीटर हो जाती है, मतलब सबको 10 को मिलाओ तो वापस 10 लीटर. तो कैन आई से इफ V1 इज द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, कैन आई से मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप. वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप सपोज ये 100 है, वॉल्यूम ऑफ एक ड्रॉप सपोज एक है, तो नंबर ऑफ ड्रॉप 100 हो जाएंगे ना. All right, volume of each smaller drop and total number of drops is n. Is this clear or not? Mathematical condition, volume of a bada drop equal to jo number of drop hoenge wo into volume of each small drop. Clear or not? Khali haan ya na mein bolo. Ushna, is this clear? Ushna. Yes, sir. अच्छा क्या माना मैं इसका नाम रितिका प्रसाद, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप का फॉर्मूला? रितिका प्रसाद सर आई डोंट नो. अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर स्क्वायर. वेरी बैड आंसर, वेरी बैड. जीतू, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 pi r cube. आर कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6 क्यूब. मेरी क्या मिस्टेक है जरा कोई बताएगा मेरे को? 1 क्यूब. एनीबॉडी हु कैन टेल मी द मिस्टेक? सर दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा. दैट्स राइट. हु वाज दैट? आई थिंक आसिफ की आवाज थी. आसिफ वाज इट यू? दैट्स वेरी गुड. तो 1 मिलीमीटर नहीं चलेगा, इसको 1 × 10⁻¹ सेंटीमीटर. सो इधर होगा 6³ = n × 10⁻³. The n will be 36 × 6 × 10³, and that is equal to ये रहा 216 आते हैं सिद्धि. There is some mistake happened. अच्छा ये 6 मिलीमीटर ही है. Okay. सुनो 6 मिलीमीटर ही है, सेंटीमीटर नहीं है. दिस बोथ आर मिलीमीटर, नो नीड टू कन्वर्ट दिस. दोनों सेम है, दोनों मिलीमीटर है. प्लीज नॉट, अब रीड करो प्रॉब्लम. मेरी मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था बट इट इज मिलीमीटर. सुनो जरा नोट करो हाँ प्लीज. सो n इक्वल टू 216. That means 216 drop bani tootne ke baad. Jo point out karega na my mistake there, I would love that student ki chalo isne pura dhyan hai. Vidhi, are you there or not, Vidhi Bhatt? Yes, sir. Okay, good. इसके बाद हम करते हैं 8181. और रीड करो आसिफ. कैलकुलेट द वर्क डन. कैलकुलेट द वर्क डन.
Calculate the work done when a spherical drop of mercury of radius 2 millimeter falls from some height and breaks into a million droplets, each of the same size. The surface tension of mercury is T is equal to 0.5 S nanometer Newton per meter. देखो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, आई एम गोइंग टू आस्क. नोबडी विल कैन से वन थिंग कि मेरे को रिपीट करो प्रॉब्लम सर. आई विल नॉट लाइक दैट स्टूडेंट. ओके, एक मर्क्यूरी ड्रॉप थी, वो किसी हाइट से गिरी और यू नो वो 1 million droplets पे कन्वर्ट हो गए. 1 million यानी कितना? Anyone can tell me? 10^10 कितना 1 million यानी? Any one of you? 10^6. 10^6. That is right. 1,000,000 बोलते हैं अपन इंडिया में. 1,000,000. 1,000,000 यानी 1 million. Keep that in mind. Okay. तो अभी of radius 2 millimeter. तोड़ के करो या हाइट से करो, वन टन का फॉर्मूला विल रिमेन सेम. वन टन का फॉर्मूला क्या होगा? टी इंटू ए टू माइनस क्या बताओ? ए टू माइनस वन. दैट्स राइट. A2 minus A1 work done is T into A2 minus A1. All right. Now, this is what is area 1. This is what is area 2. But area 2 ke time pe mujhe radius pata nahi. What is the radius of each small drop? Jo 1 million droplets bane na, usme har ek ki radius kitni hai. Wo hume nikal ke duniya ko batana hai. So, can I say V1 equal to V2? That is 4 upon 3 pi capital R cube. Equal to n into 4 upon 3 pi chota r cube. So the total volume will remain same. 4 upon 3 pi, 4 upon 3 pi will get cancelled. Therefore, small r cube will be chota bada r cube upon n. Bada r cube kitna hai? 2. Maine millimeter ko main hi rakhta hu abhi. Phir isko convert kar denge. 2^3. Aur n kitna hai? 10^6. Taking cube roots. बोलो क्या लिखूं? स्मॉल आर इक्वल टू एनी वन. क्यूब रूट्स लेंगे तो क्या होगा? आर का आंसर ऊपर क्या नीचे क्या? बहुत मस्त है, इजी है एकदम. टू अपॉन 100. दैट इज राइट. और इसको और टाइम में बता देता हूं. 2 upon 10^2 to 3. ये लो तो क्यूब क्यूब गेट्स कैंसल एंड देयरफॉर स्मॉल आर इक्वल टू 2/100 or smaller equal to 2 × 10^-2 millimeter or that is equal to 2 × 10^2 kitna millimeter. Ye batao, ye bachcho jaisi baatein mereko puchni pad rahi hai. Hussein Dagina, 1 millimeter is how many meter? Dagina, Hussein Dagina wala, I am asking you. Yes, sir. Yeah, itni lit tube light kyun ho rahi hai? 1 millimeter is how many meter? 10^-4. Yaar, ek kuch yaad nahi hai. 1 millimeter is 10^-3 meter. So this will become 2 × 10^-5 meter. Arre, tum yaad karo sab. Hussein, I don't like. You should know all the conversions. Yes, sir. And then work the formula over T into. What is the area of a drop? 8 pi r square or 4 pi r square? Who will tell me?
एरिया ऑफ ड्रॉप क्या होगा, 8 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। मैं तो एक सजेशन तो ये फॉर्मूला लंग बाय हार्ट कर लू, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम आता ही है हमेशा एग्जाम में। That is equal to 4 pi surface tension newton per meter में दिया है, ये ध्यान रखना। 0.5 n कितना दिया है, 10 to 6 और r square यानी 4 into 10 to minus 10 बड़ा r square, बड़ा 2 millimeter है, तो that is 2 millimeter या into, तो इसका square होगा 4 into 10 to minus 6। और जब सिंपलीफाई करेंगे तो यू विल गेट आंसर एज 2.488। मैं एक बार फिर से रूलर मार देता हूं, ओके ओके। प्रॉब्लम कॉपी कर लिया आपने ना, मैं एक बार रूलर मार रहा हूं, आई एम हिटिंग रूलर ऑन टू द व्हाइट बोर्ड। देखो प्रॉब्लम ऐसा था, एक थी ड्रॉप 2 मिलीमीटर उसकी रेडियस थी, उसको किसी हाइट से छोड़ दिया, ट्र ऐसे गिरी डूम टकराई और 10^6 ड्रॉपलेट यानी कि 1 मिलियन ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए। और तो कितना काम किया, काम का एक ही फॉर्मूला, ऐसे डायरेक्ट तोड़ो या ऊपर से गिराओ, वर्क डन इज द सेम, t into a2 minus a1, t da था ना, dw equal to t da। नाउ हमको a1 तो दिया हुआ है, a1 के बारे में पूरी हमको 4 पाय आर स्क्वायर क्योंकि कैपिटल आर 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, लेकिन छोटे आर का पता नहीं है। जो 1 मिलियन ड्रॉपलेट हुए, हर एक ड्रॉपलेट की क्या रेडियस है उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो हमने V1 इक्वल टू V2 किया, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 10^6 यानी n इज n इनटू 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, तो 4/3 पाई गेट्स कैंसिल, तो छोटा आर क्यूब इज बड़ा आर क्यूब अपॉन n, बड़ा आर क्यूब कितना है 2^3 क्योंकि 2 मिलीमीटर था ना, इसको मिलीमीटर में रखा मैंने, और n कितना है 1 मिलियन 10^6 दैट इज 2/10^2^3 n कितना है 10^6, 1 मिलियन है ना, और स्मॉल r स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर रहे हैं, r का 2 का स्क्वायर 4 एंड 10^-5 का स्क्वायर 10^-10 माइनस बड़ा r स्क्वायर, बड़ा r कितना है 2 × 10^-3 का स्क्वायर 4 × 10^-6। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर ये आवेगा, आई एम श्योर इट्स क्लियर टू एवरीवन, इज दिस क्लियर रितिका प्रसाद? Yes, sir. Okay. तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर, मार्क दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं एग्जामिनेशन में। इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद 82 होमवर्क करोगे आप लोग, एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशन वाला प्रॉब्लम 82। नाउ विल डू 94, पलट गया क्या? हाँ नहीं, हाँ कैलकुलेट द वर्क डन, ये कौन सा था 81 ना, 84 करेंगे, 84
आसिफ ब्रजे 84 पढ़ो कैलकुलेटर वर्क डन इन नोइंग अ स्लोप बबल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर सरफेस टेंशन ऑफ स्लोप सॉल्यूशन इज 39 पर सेंटीमीटर कॉपी करो इतना डेटा मैं प्रॉब्लम बताता हूँ देन आई एम गोइंग टू आस्क प्रॉब्लम बताने के बाद एक बबल थी उसका रेडियस गिवन आर वन गिवन और बबल याद है बचपन में हम लोग खिलाते थे कर करके बबल फेंकते जाते थे और बहुत मजा आता था हमको तो अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि एक छोटे बच्चे ने बबल फुला के रखी थी 1 सेंटीमीटर वाली रेडियस 1 सेंटीमीटर उसने अपने बड़े भाई को भी बोला इसको बड़ा कर बड़े भाई ने फूक मार के 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के उसमें तो वो लोग बोलते हैं वर्क कितना किया अगर सरफेस टेंशन मालूम है तो बड़े भाई ने वर्क कितना किया आई वुड लाइक टू आस्क अस्का व्हाट द प्रॉब्लम इज अस्का यस सर भैया क्या प्रॉब्लम क्या है बता खाली बोल मैं कान हाँ अस्का व्हाट इज द प्रॉब्लम नहीं सुनाई दिया क्या एक तुम्हारी आवाज लाउडली बोलो ना जो भी बोलना है बिंदास लाउडली बोलो बेटा क्या सर आई वाज नॉट एबल टू हियर क्या आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ आंसर आई हेट सच आंसर्स जीतू क्या प्रॉब्लम था सर एक बबल था सर उसको सब फुलाया तो उसका सर पहले रेडियस 1 सेंटीमीटर था और सर फिर बाद में फुलाया तो उसका 2 सेंटीमीटर हो गया तो सर बता रहे हैं कि वो मतलब वर्क क्या हुआ जब वो 1 से 2 सेंटीमीटर वेरी गुड आंसर कितना इजी क्वेश्चन पूछा था मैंने उसको ओके तो R1 से R2 किया तो वर्क डन कितना बस सीधा व्हाट इज वर्क डन का फार्मूला T into A2 - A1 अच्छा मुझे बबल का एरिया क्या होता है बबल का एरिया 4πr² या 4/3πr³ 8πr² दैट्स राइट आई लव दिस आंसर बोले मुझे कितना अच्छा आंसर दिया बोले दोनों मैंने रॉन्ग आंसर दिए थे ऑप्शंस दोनों रॉन्ग थे एंड अफीफ बोला सर आपके दोनों ऑप्शन गलत है ये सही आंसर है एंड आई लाइक सच स्टूडेंट्स तुम लोग को मैं अक्षरा अस्का अस्का आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट द प्रॉब्लम इज यूर सेइंग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात आपको आंसर देना चाहिए आरती 24 2/40π × 3 सो मेनी ये सब मैंने सेंटीमीटर डाइम में लिया है तो वर्क डन कैन आई से विल बी इन डाइम वर्क डन का यूनिट क्या होगा एनीवन हु कैन से आई हैव टेकन इन सीजीएस सिस्टम एनीवन अनम्यूट से आई हैव नॉट टेकन इन एसआई सिस्टम मैंने देखो सेंटीमीटर लिया डाइम लिया तो यहाँ पे वर्क डन का आंसर किस में आएगा माज किस में आएगा नहीं आता है तो ना बोल नहीं मालूम सर माज नहीं मालूम सर इज इट डाइन नो इट इज अर्ग अर्ग बेटा दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग जूल नहीं है तो जूल के बदले अर्ग होता है इसने किसने दिया है सर इसने तो जूल में देके रखा है नहीं इसने अरे अर्ग में दिया
लोग स्मार्ट नहीं हो बच्चे लोग, कोई तो बच्चा देख के बोलना चाहिए था कि सर मैंने देखी आंसर हर गया, हर सर हर, ऐसी स्मार्टनेस मेरे को चाहिए क्लास में। तुम्हारे हाथ में बुक है, उसमें आंसर लिखा है, यू आर सो स्टूपिड इवन डोंट सी, तो स्मार्ट बनो ना। सर पेज नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 84 81 था, ये 84 था, ये 84 था, पेज नंबर में डिफर, मेरा पेज नंबर है 78। तुम लोग स्मार्ट बनो रहे सब लोग। सर यहाँ पे क्वेश्चन ही पूरा अलग है, सर यहाँ पे बोला है इनिशियल रेडियस, अरे इसने पढ़ा मेरे पास से, किसने पढ़ा, आसिफ, आसिफ तुमने ही पढ़ा ना ये प्रॉब्लम 84। यस सर। हाँ तो इसमें ये लोग की बुक में अलग है दीदी, तुम्हारी बुक में क्या है 84? सर मेरे अंदर तो ये सर, कैलकुलेट द वर्क डन इन blowing a soap of a bubble of radius 0.1 meter. Yes, sir. So we have this question only. Who? Sir, calculate the work done in blowing a soap bubble of radius 0.1 meter. So we have this question. In 84? Yes, sir. Oh, अच्छा. ये वाला है ही नहीं, ये जो मैं पढ़ा वो, कोई दूसरा question है, देखो जरा. चलो अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर के बदले मैं बताऊंगा कि क्या कर रहे हैं हमको। 0.1 मीटर मेरे में तो है ही नहीं वो। ओके ठीक है चलेगा, तो अभी हम लोग करते हैं, लेट्स डू 86। रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, ऐसा प्रॉब्लम है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम से स्टार्ट होने वाला। यस सर। क्या नंबर है तुम लोगों में? सर 86 ओनली। जीतू तुम्हारे में क्या है? सर 86। 86 चलो पढ़ो, जीतू तुम पढ़ो 86। A rectangle wire frame of size 2 cm into 2 cm is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed. If the size of the film is changed to 3 cm into 3 cm, calculate the work done in the process. The surface tension of the soap film is 3 into 10 raised to minus 2 nano Newton per meter. Okay. Soap film, this is soap film. This is soap film. Alright, हमको एक soap film थी, पहले 2 by 2 cm by 2 cm की थी, उसको बढ़ा के 3 cm by 3 cm किया, तो calculate the work done in the process. Okay, and surface tension is given as 3 × 10⁻²⁺ N/m. अरे मुझे बताओ, सो फिल्म इज वन सिंगल सरफेस और टू सरफेसेस, सो फिल्म अपर एंड लोअर, कितने सरफेस होते हैं सो फिल्म के पास? टू सरफेस, इसलिए रिमेंबर एरिया वन 2 × 2 × 2 दैट इज 2 × 4 यानी कि 8 square centimeter, एंड व्हाट इज एरिया टू 2 × 3 × 3 यानी 2 × 9 18 square centimeter. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस कर रहा है, बिकॉज इट इज टू सर्फेसेस। देखो व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला, 3 × A2 - A1, इज 3 × 10⁻²। अरे मैं फिर से इसका यूनिट का कन्वर्जन पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक स्टूडेंट, एंड दैट इज नथिंग बट हुसैन दागिना, how to convert centimeter square to meter square? Hussain Dagina wala,
हुसैन दादी ना पहले बता 1 सेंटीमीटर का मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर तो 100 ओए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज माइनस 2 माइनस 3 वेरी बैड आंसर वन सेंटीमीटर स्क्वायर इज तो इधर लिखो 8 इंटू नो कन्वर्जन हुसैन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कन्वर्जन दैट इज नॉट गुड Okay. मिटा दूं? Vaishnavi, are you following or no? Vaishnavi? Yes, sir. Okay, to 88. इसको मिटाऊं? चेंज इन सरफेस एनर्जी फाइंड टेंशन ऑफ वॉटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर ओके लिखो जरा प्रॉब्लम लिखो एज इट इज मैं प्रॉब्लम बताऊंगा आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज इसे ध्यान से सुनो अच्छा ध्यान से सुनना प्रॉब्लम मेरे को ये मत बोलना सुना नहीं मैंने हुसैन तुम्हारा ये क्या पीछे खाली पर्दा दिखाई दे रहा है हाँ यस एवरीबडी मस्ट बी देयर देयर फेस मस्ट बी देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ओके अब सुनो ध्यान से एक बार क्या हुआ छोटी छोटी नन्नी मुन्नी 27 ड्रॉपलेट्स हर एक की रेडियस 0.1 गिवन मतलब 0.1 मिलीमीटर सब मिल जाती है और एक बड़ी ड्रॉपलेट कन्वर्ट हो जाती है लोग बोलते हैं अगर सरफेस टेंशन गिवन तो कितना काम किया कितना काम किया कितना वर्क किया आज क्या प्रॉब्लम बता आज